check the mic and make sure it sound right, boys. Hi guys, welcome back from RA Metro Station and I hope you guys are doing absolutely tanatan. So काफ़ी time से ये plan था कि हम जो है metro को experience करें, but time ही नहीं मिल पा रहा था या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जा रही थी कि ये करने का मौका ही नहीं मिल रहा था. लेकिन आज finally ये मौका जो है मिल चुका है. तो मैंने plan किया है कि मैं RA Station से धानुकर तक जाऊँगी. So I am really excited to do this क्योंकि मैं रोज़ जो है ट्रैवल करती हूँ चर्च गेट, और ट्रैवल करना लोकल ट्रेन में एंड प्लस रोडवेज से ट्रैवल करना कितना ज़्यादा पथेटिक हो जाता है. इस डेली ट्रैवल में मुंबईकर्स की क्या हालत होती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है. इट्स बिन 8 ईयर मैं मुंबई लोकल से ट्रैवल करती हूँ और आज मैं कुछ ऐसा नया एक्सपीरियंस करने जा रही हूँ. मुझे अभी भी याद है जब मैं दिल्ली गई थी और वहाँ के मेट्रो में जब मैंने ट्रैवल किया था तो मुझे बहुत ऐसा लगा था कि काश यार मुंबई में भी मेट्रो जो है जल्दी से स्टार्ट हो जाए, ताकि मुझे ऐसा लगे कि मेरे शहर में ऐसी कोई चीज़ है जो इतनी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगी लोगों के लिए. तो ट्रैवल जो है आगे फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है. एंड आई एम स्टिल मतलब थिंकिंग कि जब पूरे मुंबई में ये मेट्रो जो है फुल ऑन चालू हो जाएगा तो कितना ज़्यादा मज़ा आएगा, मतलब ट्रैवल करना कितना ज़्यादा ईजी हो जाएगा. तो चलो फिर चलते हैं, फटाक से एक्सप्लोर करते हैं और एक्साइटेड हो जाओ आप भी और मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. चलो फिर. सो ये रहा एलिवेटर, चलो फिर इस पे चलते हैं अपन. हाँ, मजा आ रहा है. सामने है हाईवे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे. सो यहाँ से आप एंटर करते हो, एंटर करने के बाद में यहाँ पे जो है सारा पूरा मैप दिया हुआ है और मैप थोड़ा सा देख लेना बिकॉज आपको इजी रहेगा पता करने के लिए. तो अभी अपन यहाँ पे है आरे पे, यहाँ से अपन यहाँ पे जाएंगे धानुकर वाड़ी में. तो ये रेड लाइन से येलो लाइन में अपन जाने वाले हैं. बाकी ये सारे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन्स है जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. एंड वहाँ है सामने टिकट काउंटर, तो चलो टिकट लेते हैं. तो यहाँ से एंटर करोगे तो यहाँ पे बाजू में मशीन भी है, अगर टिकट काउंटर पे नहीं जाना है तो आप मशीन से भी टिकट ले सकते हो. या अपन ट्राई करते हैं, अगर मौका मिलेगा तो ये भी एक बार ट्राई कर लेते हैं. हेलो, टू धानुकर वाड़ी 5% 40 है. ओके, अच्छा ये अंधेरी वाला लाइन चालू हुआ है अभी? फिलहाल नहीं हुआ मैम, 4 to 5 months लगेगा. ओके ठीक, थैंक यू. राइट साइड प्लेटफॉर्म नंबर 2. प्लेटफॉर्म नंबर 2, थैंक यू. सो ये 40 रुपीज़ लगा है आरे से धानुकर तक का. एंड प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे मिलेगी अपने को ट्रेन आरे स्टेशन से. कि वहाँ पे जो है वो कस्टमर कह रहे हैं अगर कुछ पता करना है तो आप कर सकते हो. वहाँ अपने को जाना है. चलो यहाँ पे आगे ये तो पता चला कि एलिवेटर को जो है स्वयं चलित सीढ़ी कहा जाता है. जाते हैं यार ट्रैवल करते हैं तो कुछ ना कुछ सीख ही जाते हैं अपन. हम ऊपर चलते हैं और आरे का प्लेटफॉर्म देखते हैं. और हाँ, मैं आप लोगों को जो है मेट्रो स्टेशन के वॉशरूम्स भी दिखाऊंगी, कैसे इन लोगों ने बनाए हैं. ऑब्वियसली अभी क्लीन होगा बिकॉज इतना ट्रैवल नहीं हो रहा है लोगों का, बट देखते हैं. ट्रेन ऑलरेडी है यहाँ पे, आते ही अपने को यहाँ पे ट्रेन जो है पहले से खड़ी है और ये फॉर लेडीज ओनली लिखा हुआ है. तो यहाँ पे ऐसे एक लगाया हुआ है बैरिकेड, तो इसके आगे के जितने भी कंपार्टमेंट्स है वो सिर्फ लेडीज के हैं. सो हम आ गए यहाँ पे लेडीज कंपार्टमेंट में. क्या ही मस्त व्यू लग रहा है यार मुंबई का. ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ऑब्वियसली ये चॉल्स, झोपड़पट्टी, जो भी आप बोल लो, लेकिन यही सारी शान तो है मुंबई की. और अब ये मुंबई मेट्रो. मेट्रो
सो अभी आप लोगों ने देखा कि ओपन कैसे होता है, तो ये बंद कैसे होता है वो भी देख लो। पीछे एक बैरिकेट है, वो पहले बंद होता है और फिर जो मेन डोर है वो बंद होता है। तो ये था डिडोशी स्टेशन। ये जो इशू है ना, लोग जो ट्रैवल करते हैं डेली, उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि मुंबई लोकल ट्रेन में भी आपको ऐसे ही बैग जो है सामने रख के ट्रैवल करना होता है, लेकिन काफ़ी लोग बहुत नहीं करते हैं। तो अच्छा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आई लाइक इट। ये मस्त है यार, यहाँ पे लाइव आपको पता चल रहा है। अभी आप कुरार पे हो और आपका डेस्टिनेशन जो है वो धानुकरवाड़ी है। जैसे ही चालू होगा ना, मजेदार एकदम। यहाँ पे आपको मोबाइल चार्जिंग का भी रहता है ऑप्शन, लैपटॉप मोबाइल चार्जिंग आप कर सकते हो। बाकी ऐसे कुछ मजेदार व्यू के साथ में आप ट्रैवल कर सकते हो मुंबई मेट्रो में। सो हमने ये काफ़ी देखा है मुंबई में लोकल में लोगों को नीचे बैठते हुए, यानी कि यहाँ पे नीचे बैठते हुए। इट्स गुड कि यहाँ पे लगाया हुआ है कि आपको भाई नीचे नहीं बैठना है। इतने मस्त मस्त चेयर्स जो है वो है अच्छी वाली, उन पे आप बैठ सकते हो। वैसे यहाँ पे एक और ऑप्शन है, दैट इज़ साइकिल का। अगर आप साइकिल वगैरह से ट्रैवल करते हो तो आप आपका साइकिल जो है वो यहाँ पे लगा सकते हो और ये कुछ ऐसा बैठने के लिए आपको हो जाता है, यहाँ कुछ ऐसा बैठ सकते हो विथ योर साइकिल एंड साइकिल भी आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हो। वाह रे वाह। तो जैसे ही मैं मेट्रो में चढ़ी ना, फर्स्ट जो मुझे फील हुआ वो है यहाँ का कूलिंग भी एकदम प्रॉपर है। बाहर ही इतनी ज़्यादा गर्मी थी, अंदर आते ही बहुत सुकून मिला। एंड प्लस सबसे ब्यूटीफुल ये है कि यहाँ की जो लाइट है ना एकदम वार्म टाइप में है, तो वो भी अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे अनाउंसमेंट बीच बीच में होते रहते हैं, जब भी स्टेशन आता है तो प्लीज़ उस चीज़ को फॉलो करके आराम से उतरना भाई, मत करना। मुंबई लोकल ट्रेन नहीं है भाई ये। मेट्रो ट्रेन में हर एक चीज़ जो है इतनी ज़्यादा क्लीन है ना, इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। प्लीज़ बहुत ज़्यादा दिल से रिक्वेस्ट है कि इसे गंदा मत करना, क्योंकि हमें इसमें ट्रैवल करना है यार। सो इस चीज़ का भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है, बिल्कुल भी लीन नहीं होना है इस डोर पे। जो जो चीज़ें हम मुंबई लोकल में करते थे इसमें हमें नहीं करना है। सो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यार यहाँ पे, मतलब मुंबई मेट्रो में जो है ना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ऐसी लगाई हुई है। नाउ दिस इज़ द वन। वैसे हम मुंबई का दिल के बहुत अच्छे हैं, हम ये चीज़ करते ही है, बट और ज़्यादा अच्छे से करें तो बहुत अच्छा होगा। क्या ही मस्त नज़ारे आ रहे हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुंबई को कुछ अलग तरीके से देखिए। फाइनली हम धानुकरवाड़ी जो है वो पहुंच चुके हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बाकी मैं बाहर आपको निकल के अच्छे से आराम से बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था मुंबई मेट्रो का। तो चलो अब उतरते हैं, और कुछ सिक्योरिटी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। तो आराम से खड़े रह के जगह पे, और जैसे ही अनाउंसमेंट होगा कि डोर जो है वो ओपन होने वाला है तब आपको उतरना है। ओके, तो ये लोग हम उतर चुके हैं, मजा आ गया दोस्तों। तो ऐसे कुछ ट्रेन है, ट्रेन का कलर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। वैसे बहुत ही एकदम ब्राइट ब्राइट कलर है, मानना पड़ेगा इन लोगों ने ये जो चूज किया है ना ट्रेन का कलर वो बहुत अच्छा है। एंड ये रहा धानुकरवाड़ी प्लेटफॉर्म, देखो जरा क्लीनिंग कितनी हो रही है, कितना क्लीन कर रहे हैं लोग। तो प्लीज आप जब गंदगी करो तो इनके बारे में भी सोचो। चलो अब बाहर निकलते और फिर बताती हूँ आपको। सो ये रहा टॉयलेट, जाके थोड़ा सा टॉयलेट भी देख लेते हैं। सो ये जेंट्स का वॉशरूम है, यहाँ पे दिव्यक जन का वॉशरूम है, और ये लेडीज वाला रहा। चलो अब बाहर निकलते हैं। तो ट्रैवल करके हो जाए तो इसको यहाँ पे फेंक दो। सो गाइस अपना मुंबई मेट्रो में आरे टू धानुकर जो है ट्रैवल करके हो गया है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। कब टाइम निकल गया पता नहीं चला। वही अगर हम ट्रैवल, अगर मैं आरे से धानुकरवाड़ी अगर मुझे आना होता और सेम चीज़ मैं अगर बस से ट्रैवल करती या तो फिर मैं ऑटो रिक्शा से ट्रैवल करती तो आराम से मुझे 150-200 फटके लगते इन टर्म्स ऑफ पैसे भी, एंड ऑब्वियसली
टाइम भी मेरा बहुत ज़्यादा जाता है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्लस पैसे भी आपके बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। वही अगर आप जो है मेट्रो से ट्रैवल करो तो आपका टाइम भी बचता है, प्लस आपका बहुत ज़्यादा पैसा भी बचता है भाई। और आज सैटरडे और मैंने काफ़ी लोगों को देखा है ट्रैवल करते हुए, दैट मीन्स कि वीक डेज पे भी लोग ट्रैवल करते होंगे। वैसे मुझे कभी चांस नहीं मिला था कि मैं जो घाटकोपर से अंधेरी वाला जो मेट्रो है उसमें ट्रैवल कर, वहाँ पे जो है बैरिगेड्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे अभी जितने भी मेट्रो लाइन्स जो स्टार्ट हुई है उन सारे लाइन्स में जो है बैरिगेड्स है। तो यहाँ पे सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा है, अपने को लोकल ट्रेन जैसे यहाँ पे ट्रैवल नहीं करना है, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है, चीज़ें फॉलो करनी है प्रॉपरली और ट्रैवल करना है। सीरियसली मज़ा आ गया दोस्तों, ये ट्रैवल करने के बाद में जब मैं फ्यूचर का सोचती हूँ तो मुझे वो चीज़ें इमेजिन हो रही है कि कैसे हमारी ट्रैवल जर्नी जो है आगे की मुंबई में रह के वो कितनी ज़्यादा स्मूथ और कितनी ज़्यादा इजी होने वाली है। वैसे MMRTA ने ये कहा है कि मेट्रो की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो कम होगा, एंड दैट इज़ फॉर श्योर। कह लो कि 20-25-30% आपका आराम से जो है ट्रैफिक कम हो सकता है। मुंबई का नाम सुनते ही ना सबसे पहले यही दिमाग में आता है कि ट्रैफिक, अब इस मेट्रो की वजह से शायद उस ट्रैफिक का थोड़ा सा जो है लेवल कम हो जाए, लगेंगे कुछ साल, लेकिन मुंबई जो है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। अगर पूरी जगह पे मेट्रो जो है हो जाए, इजी ट्रैवलिंग हो जाएगी, तो बहुत मज़ा आएगा हर जगह ट्रैवल करने के लिए, शांति से रहने के लिए। ऑफिस के लिए ट्रैवल हो गया या वीकेंड के लिए कहीं जाना है तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ये मुंबई कट्स के लिए। सो कुछ अराउंड 45 मिनट्स लगे अपने को आरे से धानुकर आने के लिए। सो बस यही था अपना सफ़र, किसी भी वजह से वीडियो पसंद आया होगा, और भिंगाटकल की सेवाएं जारी रखनी है तो लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ 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 अब क्या भीख मांग लो आप लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए, सब्सक्राइब कर ही लो, और जितना हो सकेगा अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स में शेयर करो। अगर आपको अच्छा लगता है जब मैं बातें करती हूँ, आपको सुनने में अच्छा लगता है, या जो मैं चीज़ें आप एक्सप्लोर कर रही हूँ वो आपको देख के अच्छा लगता है और आपको ऐसा फील होता है कि हमें भी जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर आप कनेक्ट कर पाते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। तो मिलते हैं जल्दी एक नए अच्छे ब्लॉग में। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग गाइस, लव यू ऑल। तो अगर कमेंट करने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट मतलब मुझे ये बता दो कि मुझे कहाँ कहाँ पे घूमना है, तो शायद मैं आपकी कोई फेवरेट जगह हो वो एक्सप्लोर करूँ, तो शायद फिर आप कमेंट करो, है ना। तो प्लीज़ ज़रूर बताना कि और क्या एक्सप्लोर मुझे करना चाहिए। मिलते हैं। It sound right, boy.